बजाज की पल्सर सीरीज इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है। इस सीरीज में हमें अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग पल्सर्स देखने को मिलती है, जिनका लुक, पावर और कैटेगरी बिल्कुल अलग अलग होती है, कभी कभी सेम भी। कभी कभी तो हम ही कंफ्यूज होते हैं कि क्या इसकी यहाँ पर जरूरत थी। तो ऐसी ही बजाज की एक पल्सर 150 सीरीज सेगमेंट में लॉन्च हुई है, बजाज पल्सर N150। तो क्या इसके स्पेसिफिकेशन है, क्या इसके फीचर्स है और क्या इसकी यहाँ पर जरूरत थी, हम देखेंगे विस्तार में इस वाली वीडियो में। सो हे गाइस, दिस इज विजय एंड वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। तो ये है बजाज पल्सर N150। आप थोड़ा ध्यान से देखिए, है ना पूरी N250 की कॉपी, एग्रेसिव प्रोजेक्टर हेडलाइट, स्प्लिट सीट, क्या स्प्लिट सीट, लेकिन पल्सर N150 में तो सिंगल पीस सीट है ना। सॉरी, गलत क्लिप पे हुए शायद, मैं अभी कर देता हूँ। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। तो ये है ऑल न्यू बजाज पल्सर N150, है ना पूरी N160 की कॉपी। डायलॉग फिर से रिपीट हो गया थोड़ा सा, अगर इतना बड़ा ब्रांड रिपीट कर सकता है अपने डिजाइन को तो हम डायलॉग तो रिपीट कर ही सकते। तो लुक से पहले शुरुआत करते हैं। तो ये बाइक आपने पहले दो सक्सेसर की कॉपी बाइक है, यहाँ पर आपको सिर्फ थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल जाते हैं और बाकी ओवरऑल फुल बाइक वही सेम नहीं देखने को मिलती है। मैंने पहले दो बार भी बोला था कि मुझे पल्सर N250 का लुक काफी पसंद आया है और दूसरी बार मुझे पल्सर N160 का लुक काफी पसंद आया है, और अभी बजाज ने डिजाइन को रिपीट करा है तो एक और बार बोलता हूँ, मुझे बजाज पल्सर N150 का लुक काफी पसंद आया है। अरे कहना क्या चाहते हो। इसकी शार्प डिजाइन काफी बढ़िया लगती है, अग्रेसिव हेडलैम्प हमें इस बाइक में देखने को मिल जाता है, जहां पर ट्विन पायलट लाइट यानी कि DRLs और उसके नीचे सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको हाई बीम और लो बीम का एक ही ऑप्शन देखने को मिलता है। सिंगल पीस सीट थोड़ी ऑड लुक देती है इस बाइक में, क्योंकि ये बाइक थोड़ी सी स्पोर्टी लुक में आती है और सिंगल पीस सीट इसे थोड़ा कम्यूटर स्टाइल में ले जाती है, लेकिन ये सिंगल पीस सीट काफी यूजफुल होती है अगर आप फैमिली मैन हो तो। ये वाली नहीं, ये वाली। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने, ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू, क्या साबित करना चाहता है तू। इंजन की बात करें तो इस बाइक में हमें 149.68 सीसी का सिंगल सिलेंडर टू वाल्व एयर कूल इंजन देखने को मिलता है। एयर कूल इंजन ना, अभी लास्ट दो तीन बार ऑयल कूल बोला है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये इंजन 14.3 bhp की पावर 8500 rpm पर प्रोड्यूस करता है और टॉर्क 13.5 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क 6000 rpm पर जनरेट करता है। तो ये पावर फिगर्स काफी अच्छे हैं अगर आप नॉर्मल यूजर हो तो, और मैं ये कहूंगा कि यामाहा यफजी से तो बेटर ही है। कहां पर 12 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिल जाता है और कहां यहां पर हमें 13.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलता है, तो उससे ये बेटर ही है। मुझे क्यों तोड़ा? चलो उठाओ। फाइव स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन हमें इस बाइक में देखने को मिल जाता है, जो कि 1 down 4 up पैटर्न के साथ में आता है। माइलेज इस बाइक में आपको 45-50 kmpl का देखने को मिल सकता है, क्योंकि 150 cc बाइक है और एयर कूल इंजन के साथ में आती है, और जैसे हमें पता है एज पर रिचुअल्स की 150 cc वाली बाइक इतना तो माइलेज निकाल ही लेती है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि माइलेज हमेशा आपकी राइडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको कम ज्यादा मिल सकता है। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, मेरे पे भरोसा नहीं, तो हमारा 5034 रुपए हमको दे दो और हमको छोड़ दो। फ्यूल टैंक की कैपेसिटी हमें 14 लीटर देखने को मिलती है, जो कि इसके कॉम्पिटिटर यूनिकॉर्न से 1 liter ज्यादा है, और इसके चचेरे भाई या फिर बहन भी कह सकते हो पल्सर 150 से 1 liter कम है, उसमें 15 liter मिलती है। सस्पेंशन इस बाइक में 31mm के टेलीस्कोपिक फोक्स फ्रंट साइड में देखने को मिल जाते हैं और रियर साइड में मोनोशॉक एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, जो कि काफी अच्छी स्टेबिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके साथ कंफर्ट भी। ब्रेक्स की बात करें तो ये बाइक सिंगल चैनल ABS के साथ में आती है, जहां पर आपको सिर्फ सिंगल डिस्क का ही ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फ्रंट साइड में आपको 260mm के पेडल डिस्क देखने को मिल जाती है और रियर साइड में आपको 130mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिलता है। 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स हमें इस बाइक में देखने को मिल जाते हैं, जिसके ऊपर आपको MRF के टायर्स देखने को मिलते हैं। फ्रंट टायर की साइज हमें 90x90 सेक्शन का देखने को मिल जाती है, जो कि 17 इंचेस की है, और रियर साइड का टायर हमें 120x70 सेक्शन का देखने को मिलता है और वो भी 17 इंचेस का ही है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल हमें इस बाइक में सेमी डिजिटल देखने को मिल जाता है, जो कि देखने में काफी कमाल लगता है।
इस इंस्ट्रूमेंट कंसोल के ऊपर आप बाइक रिलेटेड लगभग सभी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाओगे। आपको सभी इंफॉर्मेशन वहां पर ही दिखाई देगी, जैसे ट्रिप मीटर, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, लो फ्यूल इंडिकेटर, गियर पोजिशन इंडिकेटर, ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस इंस्ट्रूमेंट कंसोल के थ्रू आप देख पाओगे। लेकिन सिर्फ यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि इसमें आपको मोबाइल कनेक्टिविटी का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, जो कि इसके कॉम्पिटिटर्स यामा यफजेड में भी है और 160cc सेगमेंट में लगभग सभी ब्रांड्स ने प्रोवाइड करा है, एक्सेप्ट बजाज ने। तो क्या रीजन है आई डोंट नो, लेकिन यार जो टैकोमीटर है वो यार बहुत ही कमाल का लगता है। मतलब जब आप बाइक को रेव करते हो और वो आरपीएम का कांटा जैसे ऊपर जाता है ना, तो ऐसे गूज़बम्प्स से ही आ जाते हैं। तो आपको क्या फर्क पड़ता है मोबाइल कनेक्टिविटी के ऑप्शन से? क्योंकि मुझे ज्यादातर तौर पर यही लगता है कि एक शायद गिमिक के फीचर ही है। कमेंट कर दो आप दो ना। तो ये थी इस बाइक के बारे में सभी जानकारी। इस बाइक के ऊपर अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो यार मुझे ये बाइक काफी यूजफुल लगी, काफी अच्छी लगी और काफी प्रैक्टिकल भी लगी। इनफैक्ट मैं तो इस बाइक को लेने के बारे में भी सोच रहा हूं, क्योंकि यार मैं भी तो एक फैमिली मैन ही हूं ना। ये नहीं, ये मजाक बना के रखा है यार। इससे अच्छा बेहतर एडवाइस तो फोन पे सर्च मारूंगा मिल जाएगा मुझे। तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगा, बस थोड़ा सा बुरा इसलिए लग रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये बाइक कॉपी है अपने हायर वेरिएंट की और वो बाइक उसके हायर वेरिएंट की कॉपी है। तो पता नहीं यार बजाज ऐसा क्यों करता है, और आजकल यूजुअली हर ब्रांड ऐसा ही कर रहा है। किसी ने अगर लुक की वजह से अगर हायर वाला वेरिएंट लिया है और अगर वही सेम लुक के साथ में हमें लो प्राइस में भी बाइक देखने को मिलती है, तो जो हायर वाला वेरिएंट जिसने लिया है उसके साथ तो चीटिंग हुई ना। बस लोअर वाले वेरिएंट में हमें सिर्फ इंजन ही चेंज देखने को मिल जाता है, बाकी सभी फीचर्स तो सेम ही देखने को मिल जाते हैं और लुक भी सेम ही देखने को मिलता है। तो उसके साथ ऐसा ही होगा ना कि धोखा हुआ है उसके साथ, क्योंकि आप एट अ सेम टाइम पर सभी बाइक्स को लॉन्च नहीं करते। पहले हायर वाला वेरिएंट लॉन्च करोगे, जब उसे कोई लेगा तो उसके बाद वही सेम लुक के साथ में आप नीचे भी बाइक लॉन्च कर दोगे, तो ऐसा थोड़ी चलता है। तो आपको इसके बारे में क्या लगता है, क्या ऐसा करना सही है या फिर गलत है, ये मुझे आप नीचे कमेंट कर बता सकते हो। वैसे क्या आप जानते हो ऐसी ही सेम कंट्रोवर्सी रॉयल एनफील्ड के साथ में भी हुई थी? अगर आपको पता है तो कमेंट कर दीजिए, साथ में पढ़ लेंगे अगले वाली वीडियो में। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी कर सकते हो। अगर आपकी कोई डिमांड है तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, वो बस सिर्फ सब्सक्राइब बटन को थोड़ा देख लेना, मतलब सिर्फ देखना नहीं है उसे दबाना भी है। दबा दिया, थैंक यू। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।